हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंफोटेक नेक्स्ट। सो गाइस, पिछले सेशन में हम लोग अपडेट वर्सेस अपडेट इफ के बारे में समझे थे। अपडेट और अपडेट इफ का यूज करके किसी भी रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है या किसी भी रिकॉर्ड को कैसे रिप्लेस करना है, उसका यूज हम लोग देखे थे। लेकिन डेटा वर्स टेबल में हम लोग डेटा को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। अपडेट फंक्शन का यूज करके डेटा वर्स टेबल में अगर आप किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने जाएंगे तो वहां पे आपको वो फॉर्मूला एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैंडेटरी कॉलम होता है जो कि सिस्टम जनरेटेड होता है, जिसको ना हम लोग अपडेट कर सकते हैं ना उसको हम लोग पर्टिकुलर आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके वजह से अपडेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन हम लोग पैच से रिजॉल्व करेंगे। लाइक पैच फंक्शन का यूज करके डेटावर्स टेबल में आइटम को क्रिएट करेंगे और किसी भी एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करेंगे। तो जहां तक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं पैच क्लासेस के नाम से एक डेटावर्स टेबल क्रिएट किया हूँ जहाँ पे 3 कॉलम है। वैसे सिस्टम जनरेटेड मोर देन 18 कॉलम्स है, बट मैंने जो क्रिएट किया है उसमें 3 कॉलम है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड आईडी। आईडी ऑटो जनरेटेड कॉलम है, लाइक ये ऑटो नंबर कॉलम है। जैसे जैसे आप आइटम क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगा। ऑटो जनरेटेड नंबर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आप लोगों को बताया हूँ, बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको रिमाइंड दिला दूँ कि जैसे आप न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे तो डेटा टाइप में जाके आपको ऑटो नंबर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट देना होता है कि किस फॉर्मेट में आप उस डेटा को रखना चाहते हैं। लाइक अगर आप सीड वैल्यू 1000 रखे हैं तो ये 1000 से स्टार्ट होगा और 1001, 1002 ऐसे करते हुए बढ़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप डिजिट को इंक्रीज करना चाहते हैं या यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, वहाँ अपने अकॉर्डिंग वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 डिजिट में 0001 से स्टार्ट किया है। डेटावर्स टेबल के बारे में तो आप समझ गए। और तीनों का तीनों स्ट्रिंग टाइप है, लाइक अगर तीनों में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। इवन ये ऑटो नंबर कॉलम भी स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे अगर आप कॉलम के जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहां पे वो उसका डेटा टाइप दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में डेटा टाइप जो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, वैल्यू का डेटा टाइप क्या है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। सो इसके बाद अपन चलते हैं एप्लीकेशन में। सो एप्लीकेशन में मैंने क्या किया है, डेटा टेबल में नॉर्मली उस डेटा को मैप कर दिया। लाइक पैच क्लासेस के नाम से जो हमारा डेटा वर्स टेबल था उसको यहाँ पे आइटम्स मिला के मैंने इसको मैप कर दिया है। मैप करने के बाद डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। डेटा टेबल सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में आप फील्ड्स देख सकते हैं। फील्ड्स में जो भी कॉलम आपको शो करना है वो कॉलम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी शो हो रहा है उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इवन यहाँ से आप इसका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। लाइक जो आईडी पहले रखा है तो आईडी फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम दिख रहा है। अगर इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप से स्वैप भी करोगे तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इतना तो समझ गए। अगर नेक्स्ट कोई कॉलम ऐड करना है तो ऐड फील्ड में जाएंगे और दूसरा जो भी कॉलम आपको यहाँ पे विजुलाइज कराना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहां से वो भी विजिबल हो जाएगा। तो डेटा टेबल का अरेंजमेंट कैसे होता है वो तो आप समझ गए, कौन सा कॉलम कैसे सेट करना है, कहाँ पे कौन सा विजुलाइज कराना है, कैसे उसका ऑर्डर सेट करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एज ए रिविजन पर्पज के लिए बता देता हूँ ताकि फिर आप भूल गए होंगे तो याद भी आ जाए, या जिसको पहले से पता है वो पार्ट स्किप कर लेता है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं। डेटा को ऐड करने और अपडेट करने के लिए पैच फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है वो समझते हैं। तो पैच फंक्शन का सिंटेक्स है, तो पैच फंक्शन का सिंटेक्स दो तरीके का होता है। एक फर्स्ट वाला होता है जब हम लोग डेटा को ऐड करते हैं, सेकंड होता है जब हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए जो सिंटेक्स होता है उसमें पैच फंक्शन का नाम डालते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डेटा सोर्स का नाम डालते हैं। डेटा सोर्स क्या होता है, जिस डेटा सोर्स में जाके डेटा को ऐड करना है, मतलब अगर आपको इस डेटा वर्स टेबल में किसी आइटम को ऐड करना है तो हमारा डेटा सोर्स का नाम क्या हो जाएगा, पैच क्लासेस। ठीक है, तो पैच फंक्शन के बाद जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो डेटा सोर्स का नाम होता है। उसके बाद जब वैल्यू को ऐड करना होता है तो वैल्यू को ऐड करने के लिए जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है डिफॉल्ट्स लिखने के बाद उसके अंदर ब्रैकेट में फिर से डेटा सोर्स का नाम ही पास करते हैं। इससे वो पैच फंक्शन ये समझ जाता है कि डेटा को ऐड करना है, डिफॉल्ट्स और डेटा सोर्स का नाम। ठीक है, आफ्टर दैट कॉमा देते हैं, कॉमा के बाद रिकॉर्ड भेजते हैं जो रिकॉर्ड हम लोगों को उस टेबल में ऐड करना है, और रिकॉर्ड के अंदर जो कॉलम का नाम होगा और कॉलम के नाम के बाद जो आप वैल्यू पास करेंगे उसमें आप ये श्योर कर लें कि जो कॉलम हम लोग पास किए हैं और उसका वैल्यू जो पास किए हैं उसका डेटा टाइप मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कोई इंटीजर डेटा टाइप एक्सेप्ट करने वाला कॉलम है और उसमें आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो वहां पे वो पैच फंक्शन एरर थ्रो करेगा, नेटवर्क एरर टाइप ऐसा कुछ थ्रो करता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको पहले एश्योर करना होता है। दूसरा सिंटेक्स ये होता है जिसके थ्रू हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करते हैं। लाइक प्रोडक्ट वन में अगर क्वांटिटी 2 kg से हम लोगों को 10 kg करना होगा तो इसको अपडेट करने के लिए भी पैच फंक्शन यूज कर सकते हैं, बस अर्थ उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, सब कुछ एज इट इज रहता है। जहां पे हम लोग डिफॉल्ट्स पास करते हैं और डेटा टेबल का नाम पास करते हैं, लाइक डेटा सोर्स का नाम, उसके जगह पे हम लोग एक कंडीशन पास करते हैं जिस कंडीशन के हेल्प से वो रिकॉर्ड वहां से आ जाता है जिस रिकॉर्ड में जाके डेटा को अपडेट करना होता है। सो यहां तक आप देख सकते हैं एड एंड अपडेट, मैंने 2 बटन ले रखा है, बटन का नाम मैंने रख दिया है ऐड और अपडेट। सो ऐड बटन के ऑन सेलेक्ट पे मैं पहले एक आइटम ऐड करने के लिए पैच फंक्शन का यूज करता हूं। सो पहले पैच फंक्शन का यूज करने के लिए पैच फंक्शन को ही कॉल करना होगा। तो पैच फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होगा और उसके बाद उस डेटा सोर्स का नाम पास होगा जिस डेटा सोर्स में वैल्यू को ऐड करना है। तो हमारा डेटा सोर्स का नाम क्या है, पैच क्लासेस, और यहां पे ये सजेस्ट कर रहा है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा देंगे, चूंकि मुझे डेटा को ऐड करना है तो हम यहाँ कंडीशन नहीं पास करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाला सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट वाला सिंटेक्स ये बोलता है यहाँ पे आप डिफॉल्ट्स पास कीजिए और डिफॉल्ट्स के अंदर सेम वही डेटा सोर्स का नाम पास कीजिए जैसे पैच क्लासेस सजेस्ट कर रहा है, इसी पैच क्लासेस में ही डेटा को ऐड करना है और डिफॉल्ट्स के अंदर भी फिर से पैच क्लासेस सेलेक्ट करना होता है। इससे क्या होगा, पैच फंक्शन ये समझ जाएगा कि अब डेटा को ऐड करना है ना कि अपडेट करना है, ठीक है। अगर वहीं डेटा को अपडेट करना होता तो यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट पैच क्लासेस पास ना करके कोई एक कंडीशन पास करते जिस कंडीशन से वो रिकॉर्ड निकल के आ जाता, लाइक प्रोडक्ट वन या प्रोडक्ट टू जिसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। रिकॉर्ड निकालने के लिए जैसे लुकअप फिल्टर ये सब हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पास करना होता कंडीशन, बट हम लोगों को यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, अभी के लिए ऐड करना है, इसलिए हम लोग डिफॉल्ट्स पास किए हैं। अब थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, थर्ड आर्गुमेंट वो रिकॉर्ड पास करना होता है जिसको आप ऐड करना चाहते हो। तो रिकॉर्ड कैसे पास करते हैं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में पास करते हैं। रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले हम लोग कॉलम का नाम सेलेक्ट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम एक स्ट्रिंग टाइप कॉलम है तो इसलिए स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। तो प्रोड 03 मैं प्रोडक्ट का नाम भेज दे रहा हूँ। फिर कॉमा दूसरा कॉलम भेजेंगे जो हम लोगों को वहां पे पास करना है। तो क्वांटिटी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी में हम लोगों को लेट से यहाँ पे 7 kg क्वांटिटी डालना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आप आईडी क्यों नहीं पास किए, सो आईडी ऑटो नंबर टाइप कॉलम है तो जब हम लोग प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईडी इंक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आईडी एक ऑटो नंबर टाइप कॉलम है। ये प्रोडक्ट पास करने के बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद पैच का जो फंक्शन है उसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम देते हैं, सेमी कॉलम देने के बाद नीचे आते हैं इंटर दबा के, फिर हम लोग रिफ्रेश फंक्शन का यूज करेंगे। रिफ्रेश फंक्शन के अंदर डेटा सोर्स का नाम डाल देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि रिफ्रेश फंक्शन इस डेटा सोर्स को रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही आइटम ऐड होगा उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्रेश फंक्शन डेटा सोर्स को रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही डेटा सोर्स रिफ्रेश होगा तो लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी अल्ट की प्रेस करता हूँ, तो अल्ट की प्रेस करने से एडिट मोड में ये एप्लीकेशन प्ले मोड के जैसा काम करने लगता है और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉड 3 7 kg क्वांटिटी ये ऐड हो चुका है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईडी इंक्रीज होकर 0003 हो गया। चूंकि हम लोगों ने रिफ्रेश फंक्शन का यूज किया था तो तुरंत ऐड होते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट का क्वांटिटी और प्रोडक्ट का नाम और आईडी सब कुछ यहाँ पे दिखने लगा। अगर रिफ्रेश फंक्शन का यूज नहीं करते तो हम लोगों को फिर यहाँ से डेटा टेबल में जाना पड़ता और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश करना होता, ठीक है। हर एक चीज हम लोगों को बहुत थोरोली यहाँ पे जानना होगा। मैं हर एक चीज इसीलिए बहुत थोरोली एक्सप्लेन भी करते रहता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करता हूँ। आप प्रीवियस जितना भी कमेंट है जाकर उसका हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। और कमेंट में अगर वो इशू रिजॉल्व होने लायक नहीं रहता है तो मैं टीम्स पे कनेक्ट करके वो कमेंट का जो भी डाउट होता है उसको मैं रिजॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम लोग पैच फंक्शन के हेल्प से किसी भी आइटम को कैसे ऐड करते हैं वो समझ गए, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, पैच फंक्शन के हेल्प से ही किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी अपडेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल फंक्शन से हम लोग पहले तो आइटम को ऐड किया, अब उसी फंक्शन से
डेटावर्स टेबल के आइटम को अपडेट भी करेंगे, जो कि अपडेट फंक्शन के हेल्प से हम लोग डेटावर्स टेबल में आइटम को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, वही आइटम पैच फंक्शन के हेल्प से हम लोग अपडेट करेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझाऊंगा। लाइक पैच फंक्शन से अपडेट हो जा रहा है और अपडेट फंक्शन से अपडेट नहीं हो पा रहा था। अपडेट बटन को सिलेक्ट करके ऑन सेलेक्ट पे जाते हैं और पैच फंक्शन को यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। एज इट इज मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपडेट फंक्शन में ला के पेस्ट करता हूँ। डिफरेंस कहाँ रहता है, सिर्फ यहाँ पे डिफॉल्ट पैच क्लासेस के जगह पे कंडीशन को पास करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं और एक कंडीशन पास करते हैं। तो पहले हम लोगों को ये सोचना है कि अपडेट किसे करना है। लेट्स से प्रोडक्ट 2 को 5 kg के जगह पे 10 kg अपडेट करना है क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे पैच क्लासेस के बाद सेकेंड आर्गुमेंट में अपन लुकअप यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम हमेशा यूनिक ही रहेगा तो लुकअप वहां पे काम करेगा, कोई डाउट नहीं होगा, मतलब कोई इशू नहीं आएगा। नहीं तो लुकअप क्या करता है, बेसिकली हमेशा फर्स्ट मैच्ड रिकॉर्ड को ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप लुकअप भी यूज कर सकते हैं, फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फिल्टर जब यूज करेंगे तो आप ये श्योर हो जाए कि वहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट एंड ऐसा कुछ यूज करें ताकि वो रिकॉर्ड को रिटर्न करे, क्योंकि फिल्टर रिकॉर्ड ना रिटर्न करके टेबल रिटर्न करता है और लुकअप डायरेक्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करता है और सिर्फ फर्स्ट मैच रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट 2 के नाम से अगर और भी प्रोडक्ट 2 होगा तो ये नीचे वाले को रिटर्न ना करके सिर्फ इसी प्रोडक्ट 2 को रिटर्न करेगा। बट प्रोडक्ट का नाम हमेशा डिफरेंट होता है तो हम लोगों को इसका टेंशन नहीं है, हम लोग लुकअप यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट 2 हमेशा यूनिक ही रहेगा। सो लुकअप किस टेबल पे यूज करना है, पैच क्लासेस पे। तो इसमें भी पहले हम लोग सोर्स का नाम डालते हैं, कॉमा डालते हैं, फिर क्या कंडीशन मैच कराना है। सो कंडीशन हम लोग ये डाल सकते हैं कि प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट 2 हो, ठीक है। आईडी पे भी ये कंडीशन डाल सकते हैं, लाइक आईडी सेलेक्ट करके आईडी इज इक्वल टू 0002 डाल देंगे तो ये प्रोडक्ट 2 को रिटर्न कर देगा। बट प्रोडक्ट नेम से हम अभी सर्च कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट प्रॉड 02 नाम है, प्रॉड 02 जिसका नाम है वो मैंने प्रॉड 02 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट का नाम तो अपडेट नहीं करना है तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। जो चीज अपडेट करना है सिर्फ उसी को भेजेंगे। सिर्फ क्वांटिटी को अपडेट करना है तो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे 10 kg भेजते हैं, ठीक है। अब क्या ये भी जो हम लोग अपडेट करेंगे वो भी एज ए रिकॉर्ड भेजना है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर भेजना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारा रिफ्रेश फंक्शन यूज हुआ है ताकि तुरंत रिफ्रेश कॉल हो जाए और वो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा यहाँ पे विजुअलाइज हो जाए। चलो अपडेट फंक्शन को मैं अभी कॉल करता हूँ, इस पे अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक किया यहाँ पे आप देखिए 5 kg के जगह पे ये 10 kg हो गया, करेक्ट। सो पैच फंक्शन के हेल्प से हम लोग डेटा को ऐड भी कर लेते हैं और डेटा को अपडेट भी कर लेते हैं। सो मोस्टली डेवलपर्स पैच ही यूज करते हैं क्योंकि पैच से हमारा दोनों काम हो जाता है और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इसके बाद मैं ये समझा दूं कि पैच फंक्शन से यहाँ पे डेटा अपडेट क्यों हो रहा है बट अपडेट फंक्शन से अपडेट नहीं हो रहा था। वो इसलिए हो रहा है कि जब पैच फंक्शन डेटा को अपडेट करने जाता है तो जिस डेटा को आप अपडेट कर रहे हैं सिर्फ उसी डेटा को वो टच करता है। लाइक अगर आप क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो सिर्फ क्वांटिटी को वो टच किया और वहां पे वो अपडेट कर दिया। बट अपडेट फंक्शन क्या कर रहा था, वो एक पार्टिकुलर आइटम को अपडेट ना करके वो पूरे रिकॉर्ड को रिप्लेस कर रहा था, जिसके वजह से वहां पे सिस्टम जनरेटेड वैल्यू जो कि अपडेट नहीं हो सकता है या रिप्लेस नहीं हो सकता है वो रिप्लेस करने का ट्राई कर रहा था, इसीलिए वहां पे एरर थ्रो हो रहा था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया हो तो प्लीज और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करें।